गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। वंस आई एम डन विद दैट शॉट, आई एम डन विद इट। एक्शन! अरे यार साइड से। एंड कट। दशकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है। 2009 में आई थी आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स और अब 2023 में विक्रांत मसे की 12th फेल। इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है ब्रिलियंट मैन विधु विनोद चोपड़ा। 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस मस्ट वॉच मूवी 12th फेल के कुछ बिहाइंड द सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया है। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक किया और IPS ऑफिसर बने। इस मूवी की स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विक्रांत इनटू मनोज। विक्रांत मसे ने जिस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा के इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता। उस रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विधु चोपड़ा विक्रांत मसे और मूवी के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस गांव में आए थे। ये मध्य प्रदेश का रेहा विलेज है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर इस मूवी के सारे गांव वाले सीन्स शूट हुए थे। मनोज का ये गांव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था जस्ट टू अचीव दैट परफेक्ट लुक। लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है ये कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। एंड देन ये वाला सीन मेंस एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं उस सीन में भी उनकी बर्न स्किन हमें क्लियरली दिखती है। इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम और विक्रांत भी उस वक्त बर्न स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे। इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पा रहे थे। बाय द वे अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटन कर सकते थे बट दे हैड डिसाइडेड टू कीप इट नेचुरल। मध्य प्रदेश के उस रेहा गांव में शूट हुए सीन्स के ये रहे कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप जिसमें 12वीं क्लास में पास होने के लिए मनोज पर्चियां बना रहा होता है। देखिए DOP ने कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था। मेकिंग ऑफ चीटिंग सीन। ये जो चीटिंग वाला सीन है इसे शूट करते वक्त डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूडेंट्स रियल हैं। जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन्स में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इन स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे और फाइनली जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डायरेक्टर साहब ने उनसे ये एग्जाम वाला सीन शूट करवाया था। कैमरेमैन नहीं देखा। एंड कट। वन मोर। कलाकारी दिखा रहा है लेकिन कैमरे में नहीं देख रहा। ए कैमरे में देखा। कट। सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। मास्टरिंग अ जुगाड़ ड्राइविंग टोटल इसमें चारों रिवर्स
ये जो सवारी थी उसे गांव वाले लोग जुगाड़ कहते हैं, क्योंकि इसे किसी कंपनी में नहीं बल्कि गांव के किसी बुद्धिमान आदमी ने लिमिटेड रिसोर्सेज से जुगाड़ करके बनाया होता है। इन जुगाड़ू चीजों को चलाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना इसका इनोवेशन। घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर राहुल कुमार ने स्पेसिफिकली ये जुगाड़ चलाना सीखा था, और तब जाके इसके कुछ सीन्स उसी एमपी के गांव रेहा में शूट किए थे। पहले दिन तो मुझे बहुत तंग किया इस अफलातून ने, लेकिन हाँ धीरे धीरे पकड़ में आई। मेकिंग अ सेटअप एट मुखर्जी नगर। जब मनोज अपने नए नवेले दोस्त पांडे के साथ आईपीएस बनने दिल्ली आता है, तब वो वहाँ लगे हुए सब कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट्स वाले ढेर सारे बैनर्स और पोस्टर्स देखता है। उसी के साथ वो मुखर्जी नगर की भीड़ भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है, इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? Well, ये सब जो बैनर्स वहाँ लगे हुए हैं, वो मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर टीम की ही बनाई हुई है। इस सीन को दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब भी कहा जाता है। नंबर 5, मेकिंग इट रेन ऑन अ सनी डे। ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का यूज किया था, और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में एंटर हो रही थी, तब हम देख सकते हैं कि उस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। नंबर 6, मेधा सैंग अ सॉन्ग इन रियलिटी। इस ट्रूथ एंड डेयर सीन में जब श्रद्धा पर गाना गाने का डेयर आता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज ना श्रेया घोषाल की है ना किसी और प्लेबैक सिंगर की, बल्कि इसे खुद मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने ही गाया है, और वो भी ऑन लाइव लोकेशन। इससे हम समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है। जब कास्ट एंड क्रू में से कोई भी कोई अच्छा काम करता था, तो डायरेक्टर विधु उसे 20 रुपए एज अ रिवॉर्ड देते थे, एज अ मार्क ऑफ गुड जॉब दैट समबडी हैड डन। जब इस पर्टिकुलर सीन का शूट खत्म हुआ, तो विधु जी ने मेधा को 100 रुपए दिए थे, विच वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज रेगुलर रिवॉर्ड। इनडीड इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि सच में यहाँ पे मेधा जी की परफॉर्मेंस हार्ट स्टीलिंग थी। 100 रुपीज, वाह, व्हेन आई गिव 100 रुपीज यू नो हाउ नाइस इट इज। ये सीन दिल्ली के दिल्ली हार्ट इस रियल लोकेशन पर शूट हुआ था। इस सीन को अगर आपने गौर से देखा हो, तो आपको रियल कपल मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी भी यहाँ पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे। इन दोनों को बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस ही क्यों ना हो, लेकिन इस मूवी का हिस्सा बनाना था, और ये आइडिया डायरेक्टर विधु जी का ही था। इस सॉन्ग को फिर बाद में मेधा जी की आवाज में एज अ फिल्म वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 7, रजनीस ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एजिंग की जा रही थी, और उनके लुक चेंज किए जा रहे थे, लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई, तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए, ये चैलेंज मेकर्स के सामने था। इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी जिसे वो छोटी रजनी दिखाते, लेकिन हाँ इसका एक छोटा भाई जरूर था, तो उन्होंने उस पर ही एक्सपेरिमेंट किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बनाकर शूट किया। और क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, उनके फेस कट्स अच्छे से मैच हो रहे थे, और कुछ इस तरह उन्होंने रजनी के कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी मेंटेन की थी। नंबर 8, स्पेशल अपीयरेंस ऑफ डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति। हम सब इससे वाकिफ हैं कि 12th फेल में दृष्टि आईएएस के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल अपीयरेंस है। डायरेक्टर ने एक्शन बोलते ही विकास सर की क्लासरूम में एंट्री हो जाती है। सर आगे जाकर स्टूडेंट्स को सिविल सर्वेंट का महत्व समझाते हैं। एंड एक्शन, आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट, बैठिए। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा हूं। जब ये शॉट फाइनलाइज हुआ, तो डायरेक्टर विधु जी ने विकास सर को गले लगाया, और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। For 50 years now, but this is the one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks.
एंड नन ऑफ यू लुक एट द कैमरा, सो हैट्स ऑफ टू यू। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी के कुछ सीन्स और डायलॉग